नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इलेवन और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं प्रदेश की बड़ी खबरें। लॉकडाउन से जिला में परेशान लोगों की समस्या को देखते हुए खगड़िया जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने समाहरणालय के मुख्य सभाकक्ष में मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में खगड़िया जिला ग्रीन जोन में है और गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को गाँव से लेकर शहर तक थोड़ी छूट दी जा सकती है। हालांकि लोगों को अभी तक कुछ दिनों तक हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तभी हमारा जिला कोरोना वायरस मुक्त बना रहेगा। पटना के बेली रोड, राजा बाजार, खाजपुरा इलाके में कोरोना संक्रमित की सूचना के बाद इलाके को सील किए जाने के बाद अब सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया है, जिसके लिए पटना DDC समेत जिला प्रशासन के पदाधिकारी खाजपुरा पहुंचकर सभी घरों से जानकारी एकत्रित की। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है, साथ ही सर्वे के बाद ही राजा बाजार से प्रतिबंधित क्षेत्र को मुक्त किया जा सकता है। एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन है, वही इस लॉकडाउन को पालन कराने में ग्राम रक्षा दल एक अहम भूमिका निभा रही है। दरअसल पटना से सटे मनेर प्रखंड के बाग पंचायत में ग्रामीणों ने कोरोना से निपटने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। इसके लिए बाग पंचायत में स्थानीय मुखिया की पहल पर ग्रामीणों ने ग्राम रक्षा दल का गठन किया है, जो कोरोना से लड़ने के लिए ग्रामीणों को जागरूक कर रही है। दिल्ली के सलीमपुर इलाके में फंसे सुपौल के करीब 2 दर्जन मजदूरों ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पीड़ित मजदूरों की व्यथा सुनकर निर्मली विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने CM नीतीश कुमार से जल्द पहल करने की बात कही। बावजूद इसके किसी भी तरीके से कोई पहल नहीं किया गया, जिसके बाद सुपौल युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमरदीप कुमार ने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों तक राहत सामग्री पहुंचाया। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लागू लॉकडाउन में जरूरतमंद और गरीबों को किसी तरीके की आवश्यक सामानों की कमी नहीं हो, इसके लिए पश्चिमी चंपारण जिला निवासी सह युवा समाज सेवी मनीष कश्यप प्रतिदिन जरूरतमंदों को मास्क, सैनिटाइजर और राशन का वितरण कर रहे हैं। इसके लिए युवा समाज सेवी रोज दिन अपनी गाड़ी में इन सामानों को लेकर निकल जाते हैं और देर शाम तक जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण करते हैं। सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के रामपुर पंचायत स्थित सिद्दिकी चौक के समीप पनोरमा हॉस्पिटल परिसर के अलावे कई गांवों में पनोरमा ग्रुप के निदेशक सह युवा राजद के राष्ट्रीय महासचिव संजीव मिश्रा द्वारा सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। वहीं लाचार और मजबूरों ने राहत सामग्री लेने के बाद काफी खुशी व्यक्त की। कोरोना महामारी के कारण देश में जारी लॉकडाउन के बीच लोगों की बिगड़ती आर्थिक हालात को देखते हुए लखीसराय जिला के हलसी थाना क्षेत्र अंतर्गत पीपरा भनपुरा पंचायत के डीलर सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत उपभोक्ताओं को फ्री में राशन का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में लोगों की आर्थिक तंगी को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन के कारण मजबूर और बेसहारा लोगों को शिवहर प्रखंड के चमनपुर और राशिदपुर में गरीब असहाय विकलांग लोगों के बीच शिवहर थानाध्यक्ष अशोक कुमार राय ने पहुंचकर खाद्यान्न वितरण किया। इस दौरान लोगों ने राशन लेकर काफी खुशी और प्रशंसा व्यक्त की। राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना अंतर्गत पोस्टल पार्क खास महल इलाका में पिछले 6 महीने से चल रहे खून के गोरख धंधे का खुलासा पुलिस ने किया है। दरअसल जक्कनपुर पुलिस ने पिछले दिनों छापा मारकर खून का गोरख धंधा करने वाले गिरोह के सरगना संतोष और एजेंट सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से पुलिस ने 4 ब्लड बैग भी बरामद किया है। बीते दिनों पहले कश्मीर के सुपौल जिले के आतंकी हमले में मारे गए बिहार के वैशाली जिले के CRPF जवान हेड कांस्टेबल राजीव शर्मा का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उनको श्रद्धांजलि दी गई। इसमें CRPF IG राजकुमार, पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि, SSP उपेंद्र शर्मा के साथ ही कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान CRPF IG ने कहा कि आतंकी हमले में शहीद जवान के परिवार को हर संभव मदद दिया जाएगा। राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के पारिवारिक विवाद को लेकर एक महिला ने आत्महत्या कर लिया, जिसकी जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि महिला अपने मायके में रह रही थी और पारिवारिक विवाद के कारण उसने आत्महत्या कर लिया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम करा, जांच में जुट गई। मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र के अधिकलाल मध्य विद्यालय के पास एक झाड़ी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा और जांच में जुट गई। वहीं जानकारों का कहना है कि मृतक युवक की छात्र राजद जिलाध्यक्ष सोनू यादव से पहले से कोई आपसी रंजिश चल रही थी, जिसको लेकर कॉलेज चौक पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि इस खबर के बाद आरोपी सोनू यादव फरार बताए जा रहे हैं।
सासाराम प्रखंड के रामपुर पंचायत के बिशुनपुर नहौना के बाल पर बिजली के पोल से शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगभग 8 बीघा में लगे गेहूं की फसल जलकर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। हालांकि आग लगने की सूचना के बाद दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाई। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज 1 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।